students, I am Nikita Mulchandani, your spoken English trainer at the Nine English Medium School. So, spoken English में आज हम कौन सा topic कर रहे हैं students? आज हम कर रहे हैं sentences. Means जो आप sentences regular बोलते हो, या means आपको अगर कुछ बोलना है, तो उससे आप कैसे English में बोल सकोगे? वो आज सीखेंगे हम, okay? So let's start our today's topic, sentences. I eat fruits every day. स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ रेगुलर रीड भी करते जाना है जिससे आप अच्छी तरह से रीड भी कर सकोगे आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी और आप इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोल पाओगे ओके आई ईट फ्रूट्स एवरी डे अगर अभी आपको किसी को बोलना है कि मैं रोज फ्रूट्स खाती हूँ या मैं रोज फ्रूट्स खाता हूँ तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे आपको बोलना है आई ईट फ्रूट्स एवरी डे अच्छा अभी इसको ऐसे नहीं बोलना कि आप रीड करके बोल रहे हो आई ईट फ्रूट्स ऐसे नहीं बोलना आपको कैसे बोलना है उसका आपको थोड़ा फ्लुएंस होना चाहिए आई ईट फ्रूट्स एवरी डे कैसे बोलना है आई ईट फ्रूट्स एवरी डे ओके नंबर टू आई लव माय मॉम एंड डैड आई लव माय मॉम एंड डैड मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं तो उसके लिए अभी आपको क्या बोलना है हिंदी में तो आप सब बोलते हो गुजराती में भी बोलते हो पर अगर आप आपके मम्मी पापा को ये इंग्लिश में बोलोगे या आप किसी और के सामने ऐसे इंग्लिश में बोलोगे ना तो आपके मम्मी पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे ओके तो हमें कैसे रीड करना है स्टूडेंट्स आई लव माई मॉम एंड डैड तो रीड करना है बट आपको बोलना कैसे है आई लव माई मॉम एंड डैड नंबर थ्री आई लाइक चॉकलेट केक मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है ये तो सेंटेंस आपको सुन के ही मजा आएगा है ना तो आपको क्या बोलना है जब आपको किसी को बताना है कि मुझे कौन सा केक अच्छा लगता है मुझे चॉकलेट केक पसंद है तो उसके लिए आपको क्या बोलना है आई लाइक चॉकलेट केक ओके नंबर फोर मे आई सिट नेक्स्ट टू यू अच्छा अभी आपके फ्रेंड के बाजू में या किसी भी क्लासमेट के बाजू में आपको बैठना है आप दूर बैठो आपको दिख नहीं रहा है तो आपको क्या बोलना है पहले आपको परमिशन लेनी है कैसे मे आई सिट नेक्स्ट टू यू क्या मैं आपके बाजू में बैठ सकता हूँ या क्या मैं आपके बाजू में बैठ सकती हूँ मे आई सिट नेक्स्ट टू यू ओके शी हैज अ बार्बी डॉल अच्छा आप किसी के लिए बता रहे हो कि उसके पास क्या है उसके पास बार्बी डॉल है तो उसे हम कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स शी हैज अ बार्बी डॉल ओके तो ये फाइव सेंटेंस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आई ईट फ्रूट्स एवरी डे आई ईट फ्रूट्स एवरी डे आई लव माय मॉम एंड डैड आई लाइक चॉकलेट केक मे आई सिट नेक्स्ट टू यू मे आई सिट नेक्स्ट टू यू She has a Barbie doll. उसके पास क्या है? Barbie doll है. Number six. He is in second grade. अच्छा अभी आपसे किसी ने पूछा कि वो कौन से standard में? Grade means standard. हम बोलते हैं ना second standard, third standard. तो जब हम English में properly बोलते हैं तो उसे grade use करते हैं. तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपका brother कौन से standard में है, तो आपको क्या बोलना है? He is in second grade. वो कौन से standard में है? वो second standard में है. He is in second grade. Number seven. He told a funny story. अब आप किसी को बता रहे हो उसने मुझे बहुत ही funny story बताई. तो हिंदी में भी नहीं, गुजराती में भी नहीं. कैसे read करना है? कैसे बोलना है? He told a funny story. उसने एक funny story सुनाई. She is my best friend. अच्छा अभी आप किसी को बता रहे हो कि वो जो गर्ल है ना वो कौन है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके लिए हम क्या बोलेंगे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड अच्छा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अभी आपके फ्रेंड को ही बोल रहे हो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड उसको आप हैप्पी कर रहे हो खुश कर रहे हो तो आप हिंदी में नहीं बोलोगे कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो क्या बोलना है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ओके नंबर टेन प्लीज से द वर्ड लाउडली अच्छा अभी किसी ने कुछ बोला और आपने सुना नहीं तो आपको चिल्लाना नहीं है क्या बोल रहे हो जोर से बोलो नहीं आपको क्या बोलना है प्लीज से द वर्ड लाउडली क्या आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज
से द वर्ड लाउडली. सो एक बार फिर से ये 10 सेंटेंसेस रिवाइज करते हैं और आपको इसको घर पे रीड भी करनी है और उसको प्रैक्टिस भी करना है. ओके, आपको मेरे साथ साथ बोलते जाना है.